दोस्तों देखते ही देखते 1675 आ जाता है, 1675, मतलब 17th सेंचुरी की ही बात हम कर रहे हैं अभी। 1675 से 1680 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे मशीन्स तो हुआ नहीं करती थी, और जो माइक्रोस्कोप हुआ करते थे उस टाइम पे, उनके जो लेंसेस होते थे वो क्वालिटी के नहीं हुआ करते थे, तो प्रॉब्लम आती थी। तो एंटोन वॉन लियूवेनहुक जो ये मर्चेंट थे, क्या थे, बिजनेसमैन, तो डच मर्चेंट, तो ये मर्चेंट हुआ करते थे। और जैसे अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आपकी हॉबीज क्या है, तो कोई बोलेगा भाई मेरा मेरी हॉबीज है सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, है ना, रीडिंग। तो उसी तरीके से एंटोन वॉन लियूवेनहुक साहब की जो हॉबी हुआ करती थी वो क्या थी, माइक्रोस्कोपी। तो परस्यूड माइक्रोस्कोपी एज अ हॉबी, आई बात समझ में। अब ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था फ्री सेल्स को, फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्री सेल्स, ठीक है, पहली बार फ्री सेल्स को इन्होंने डिस्कवर किया था। स्पर्म, स्पर्म सेल को स्टडी करके, प्रोटोजोन्स को स्टडी किया था, बैक्टीरिया को स्टडी किया था, एक्सेट्रा, और भी कई सारी सेल्स को इन्होंने स्टडी किया था। तो इन्होंने उस बेसिस पे डिस्कवर किया था कि फ्री सेल्स को, ठीक है। देखते ही देखते 1682 आ जाता है, 1682, निहेमिया ग्रीव साहब थे जो, इन्होंने सेल का कॉन्सेप्ट दिया था, एक गिवन सेल कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था इसे समझते हैं जरा। इनका कहना था किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो स्ट्रक्चर होगा उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा, सेल। आई बात समझ में, दोबारा बता दूं, निहेमिया ग्रू साहब का कहना था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई जो स्ट्रक्चर होगा उसका जो बेसिक यूनिट होगा वो क्या होगा, सेल, ठीक है। तो सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनिज्म, आई बात समझ में। अब हमारी एंट्री हो गई किसमें, 18th सेंचुरी में, 1772 में अल्फोंसो कोटाई साहब थे जो, इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था लिविंग मटेरियल किसी सेल में, ऑब्जर्व या नोटेड लिविंग मटेरियल इन सेल। देखते ही देखते 1781 आ जाता है, यहाँ पे एक बड़े ही शानदार व्यक्ति थे फोंटाना जिनका नाम था, इनसे गलती ये हो गई, इन्होंने न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस को देखा था माइक्रोस्कोप में, लेकिन इनको आइडिया नहीं लग पाया कि ये भी एक ऑर्गेनेली है, और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली माना जाता है न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन फोंटाना साहब को कुछ आइडिया लग नहीं पाया, हो सकता है कि मिसकंसेप्शन हो गया हो किस चीज का, ठीक है, सीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस बट हैड नो आइडिया। अब देखते ही देखते भाई 19th सेंचुरी में एंट्री हो जाती है, 19th सेंचुरी, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या हो गया, थोड़ा सा रिसर्च होनी तेज हो गई। अब टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा था भाई, कि माइक्रोस्कोप के जो लेंसेस हुआ करते थे वो क्या हो रहे थे, इम्प्रूव हो रहे थे, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही थी, अच्छी हो रही थी, ठीक है। तो इस समय में क्या हो रहा था, स्टडी ऑफ सेल्स डेवलप्ड रैपिडली, ठीक है। और किस वजह से तेज हो गई थी स्टडी सेल की, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको माइक्रोस्कोप के लेंसेज में इम्प्रूवमेंट होने के कारण, ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन माइक्रोस्कोपी या माइक्रोस्कोपिक लेंस, क्लियर। 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लेमार्क साहब की एंट्री हो जाती है। अब ये कुछ थ्योरी देते हैं, लेमार्क साहब का कहना ये था कि भाई कोई भी अगर बॉडी होगी अगर वो लिविंग है तो उसमें सेल्स जरूर होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, इनका ये कहना था ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लिविंग बॉडी हो और उसमें सेल्स ना हो। मतलब इन्होंने पोस्टुलेट किया था, पोस्टुलेटेड दैट नो बॉडी कैन हैव लाइफ विदाउट सेल्स, आई बात समझ में, जायज सी बात है भाई, कोई अगर लिविंग बॉडी होगी तो उसके अंदर सेल्स जरूर होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि लिविंग बॉडी हो और उसके अंदर सेल्स ना हो, लाइफ वही एग्जिस्ट करेगी जहां पे सेल्स होंगी। दोस्तों सन 1824 की बात है, डुट्रोचेट नाम के ये व्यक्ति थे, इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने बताया था कि भाई ऑर्गेनिक टिश्यू जो होता है ये कुछ नहीं है, ये एक सेल्स है जो कि एडहेसिव फोर्सेस से जुड़ी हुई है। मतलब समझो टिश्यू क्या है, एक तरीके की सेल्स है, टिश्यूज क्या है, सेल्स है, और ये सेल्स एडहेसिव फोर्स से जुड़ी हुई है। एडहेसिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो चिपकाने वाली हो, जैसे अगर आर्ट एंड क्राफ्ट की बात कर ले तो फेविकॉल हम यूज करते हैं, तो फेविकॉल क्या है, एक तरीके का एडहेसिव है, तो एडहेसिव वो चीज होती है जो चिपकाती है दो चीजों को, ठीक है। तो डुट्रोचेट साहब का ये कहना था कि टिश्यूज जो होते हैं
कुछ नहीं है, वो सेल्स हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई है एक एडहेसिव फोर्स से। आई बात समझ में? पोस्टुलेटेड दैट ऑल ऑर्गेनिक टिश्यूज और सेल्स दैट आर यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं बाय एन एडहेसिव फोर्स। धीरे धीरे देखते ही देखते 1831 आ जाता है, 1831। अब होती है एंट्री रॉबर्ट ब्राउन साहब की। ये बड़े शानदार व्यक्ति थे, इन्होंने बड़ा ही शानदार काम किया है सेल बायोलॉजी के अंदर। जब आगे और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो रॉबर्ट ब्राउन की बहुत ज़्यादा चर्चा होगी। अभी फिलहाल के लिए इन्होंने डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस की, और कई सारे एंट्रेंस में बहुत बार पूछा भी गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप इस पर, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल। ठीक है, अब आती है बात 1840 सन की। परकंजी साहब का कहना ये था कि भाई प्लांट सेल है ना, जो प्लांट सेल, इसमें इन्होंने नोटिस किया था कि सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल है जिसको इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ पे दो चीज आती है, एक होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, एक होता है प्रोटोप्लाज्म, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। प्रोटोप्लाज्म क्या है एक्चुअली? साइटोप्लाज्म प्लस जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, ये सारा कंटेंट क्या कहलाया जाएगा? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल होता है सेल के अंदर, साइटोसोल भी बोलते हैं इसको। तो साइटोप्लाज्म डेप्थ में पढ़ेंगे, इसके अंदर कई सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जब सेल का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। तो जे परकंजी साहब का कहना था, इन्होंने जनरली नोटिस किया था, नोटिस सेमी फ्लूइड लिविंग मटेरियल इन प्लांट सेल, ठीक है, और इसको इन्होंने नाम दिया था क्या? प्रोटोप्लाज्म। ही नेम्ड इट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बताया ना मैंने, साइटोप्लाज्म प्लस जितने भी लिविंग ऑर्गेनेलीज है विद इन द सेल, वो सब मिला के क्या बनाएंगी? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, यहाँ पे हम अपनी सेल की हिस्ट्री को खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो तीन काम कर देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।